नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है डीएसडी न्यूज। देखिए, आज दिन है गुरुवार। उम्मीद है आप अपने घर पर होंगे, परिवार के साथ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बाहर अगर कहीं निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर कर लीजिए। चलिए, अब खबर जो है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त बिहार में चुनाव है और चुनाव बस अब कुछ महीने बाद ही होना है। हालांकि इसको लेकर के जो विपक्ष की पार्टी है वो लगातार कह रही है कि कोरोना के कारण चुनाव की तिथि जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन इस पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो है यानी जेडीयू और बीजेपी जो है वो कह रही है कि चुनाव तय समय पर होना चाहिए। अब इन सारे मसलों को चुनाव आयोग के हवाले छोड़ दिया गया है। हालांकि खबरें यह भी मिल रही है कि तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। ईवीएम मशीन की जो चेकिंग होती है उसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां कर दी और सभी पार्टी के सामने ये चेकिंग होगी। अब खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है अरविंद कुमार सिंह। तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार जो है सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, नीतीश के कार्यकाल को धत्ता बताते हुए कामकाज ना करने का आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, ऐसे में प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से अरविंद कुमार सिंह ने नीतीश कुमार को मर्यादा में रहने की सलाह दे डाली। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा का प्रयोग करना उनके लिए ठीक नहीं है। हालांकि चुनाव का माहौल है, ऐसे में तमाम पार्टियां अब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी कर रही है। चुनाव के वक्त में ऐसे और बयान हमें और बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका भी ख्याल रखना है कि कोरोना भी है। कोरोना के चलते हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर एक बार कोरोना हो गया तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए हम अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करते हैं खबर दिखाने से पहले कि आप घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन जरूर करें। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रवक्ता है अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने तेजस्वी यादव पर किस तरह से हमला किया है, क्या कुछ बोला है, सुनिए। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अपने शब्दों के मर्यादा पर ध्यान रखें। वो जो शब्द चयन करते हैं वो उनके पिता के संस्कार का शिक्षा देता है और जो उनके पिता द्वारा और स्कूल कॉलेज में उनकी शिक्षा हुई है उसका वो अपने शब्द चयन में व्यवहार करते हैं। तेजस्वी यादव जी से यही बिहार की जनता उम्मीद नहीं करती है। वो नौजवान हैं, वो एक अच्छा शब्दों का चयन करें और राज के लिए, गद्दी के लिए वो अपने को अमर्यादित न करें।